दोस्तों हमारे बेस कैंप में जहां पर हम रुके हुए हैं वहां पर अभी अभी स्नोफॉल शुरू हो चुका है। दोस्तों कोशिश कर रहे हैं सोने की लेकिन नींद नहीं आ रही है। दोस्तों ये है पहाड़ों के बीच एक छोटी सी कैंटीन जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा भाई आपके पास? यहाँ मिलता है मैगी, चाय, अंडा, ऑमलेट, बन मसाला। हमारे टीम मेंबर्स आते हुए रवि, सेंकी भाई, शशि भाई, गायत्री, राजू भाई और पीछे से राजकुमार जी। गाइस ऊपर तक आ चुके हैं हम लोग, अभी भी ऊपर जाना बाकी है। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है, तो यहाँ से वापस जा रहे हैं। बहुत ही स्लिप हो रहा है, बार बार गिर रहा है। मैं भी एक दो जगह गिरा हूँ, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है और इसका भी एक अलग ही मजा है। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। साढ़े आठ बज रहे हैं और इस समय हम हैं हमारे टेंट में। हमारे बगल के टेंट से नितिन भाई, शशि भाई और रवि भाई की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों सब लोग इतनी जल्दी से इसलिए सो रहे हैं क्योंकि सुबह सबको 2 बजे उठना है और सबसे ज़्यादा जो हाइट है 12,500 फिट की, वहाँ पर पहुँचना है। और सुबह सुबह का जो नज़ारा रहेगा सनराइज़ का, वो हम सबको देखना है। इसलिए हम इतनी अर्ली मॉर्निंग या कहना चाहिए इतनी लेट नाइट, इतनी रात को हम सब हमारे हेडलैम्प लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों कोशिश कर रहे हैं सोने की लेकिन नींद नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो करना है अभी और सुबह। तो दोस्तों इस समय जो है ना हमारे टेंट के ऊपर आवाज़ आ रही है। अगर बाहर निकल के देख रहे हैं तो स्नोफॉल चल रहा है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। अगर ये बर्फबारी तेज होती है तो शायद हमारा कल का प्लान कैंसिल हो सकता है। हालांकि हम सारी सुविधाओं के साथ आए हैं, भगवान ना करे ऐसा हो कि बर्फबारी तेज हो, लेकिन अगर इतनी बर्फबारी भी चलती रही तो शायद हम पीक तक जाएंगे। तो दोस्तों ये है मेरे टेंट के बाहर का नज़ारा। बिल्कुल टेंट के बिल्कुल चारों तरफ बहुत सारा बर्फ़ जमा हुआ और अगर आप देख रहे होंगे ये हल्का हल्का सा स्नोफॉल हो रही है। और अगर आपको दूर तक दिख रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से ये बना रहा हूँ, तो सारी चारों तरफ टेंट के चारों तरफ ये देखिए, बहुत पास को अगर दिखाऊँ ये मेरा टेंट है, टेंट की बाउंड्री, टेंट की चेन, और यहाँ पर भी बर्फ है। तो गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और हम निकले थे करीब करीब 3 बजे और आप देख रहे हैं हमारे टीम मेंबर यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग, काफ़ी सारे लोग इधर आपको दिख रहे होंगे और ये हैं हमारे राजकुमार जी और भाभी जी जो कि जोड़े में रेस्ट कर रहे हैं। और कौन है, 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 और ये है विपिन भाई, और ये है भावना, ये है गायत्री, सब बिल्कुल झमाझम मजे लेते हुए। और कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है। बहुत ही शानदार बर्फबारी। कहाँ है भाई टीम अपनी? और ये है हमारे कौशल भाई, बेहतरीन बेहतरीन बाबा करते हुए। और कौन है, और कौन है, राजू भाई किधर है? राजू भाई, राजू भाई, ये बाबा। ये है हमारे शशि भाई चॉकलेट खाते हुए, आप देख सकते हैं इनको मंच खाते हुए। रवि भाई अपना झोला संभालते हुए। और ये है हमारे दुलारे, दुलारे नितिन भाई, दिख जाओ, दिख गए, दिख गए। और कौन है, और कौन है, और कौन है बाबा? सब हो गए, सब हो गए, मैं भी देख लेता हूँ, हमको भी दिखा दो कैमरा घुमा के थोड़ा सा। दोस्तों लाइट आपको वाली जलानी पड़ेगी शायद, बटन दबा दो, दबाओ। दिख रहा हूँ मैं, पड़ी मुझे क्या करना, दिख रहा हूँ नहीं, उससे आपकी लाइट से फोकस करो, मैं लाइट से कर रहा हूँ। और दोस्तों ये हूँ मैं।
दोस्तों फाइनली हम 12,500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। 3 बजे चलना शुरू किया और बहुत सारी थकावटों से, रुकावटों से चलते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए फाइनली हम ऊपर आ गए। हार्ट बीट ऐसी चल रही थी कि मान लो बम फूट रहा हो, बम 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 बम। रास्ते में 2 जगह ऐसा हुआ जब मैंने हिम्मत हार गया, लेकिन हमारे विपिन भाई की वजह से उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि नहीं ऊपर आना पड़ेगा। और आप सबके सामने लाना चाहता हूँ विपिन भाई को। विपिन भाई प्लीज कम हियर प्लीज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हजारों फीट की ऊंचाई पर हम हैं। यहाँ पर एक गलती से हम हजारों फीट की ऊंचाई से गिर सकते हैं और ये है हमारे विपिन भाई, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। नहीं तो मैं फेल चुका था रास्ते में कि नहीं वेट की जरूरत, नहीं जा पाऊंगा। सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, सभी लोग इतने अच्छे से, इतनी टाइमिंग इन्होंने मेंटेन की है, बहुत अच्छे से सभी ने किया है। अपने सबके लिए तालियां और पूरे ग्रुप के लिए तालियां। एक बार मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ विजय भाई को, जो कि हमारे गाइड है। बहुत ही शानदार तरीके से हमको यहाँ पर लेके आए हैं। उन्होंने हमें चलना सिखाया कि किस तरह से बर्फ पे चलना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको ऊपर लेकर आए। और दोस्तों एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे कौशल भाई को, जो कि ये सारा वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों 12,500 फीट ऊंचाई पर पहली बार मैं कोई सूरज उगता हुआ, सनराइज होता हुआ देख रहा हूँ। दोस्तों आप देखिए धीरे धीरे सूरज निकलता जा रहा है, मैं थोड़ा आगे आता जा रहा हूँ। चारों तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी। ये देखिए आप, शानदार। और ये सूरज ऊपर आ चुका है धीरे धीरे करके, बहुत ही शानदार नजारा। इसी के लिए, सिर्फ इसी सनराइज को देखने के लिए 3 बजे रात को हम हमारे कैंप से ऊपर तक के लिए आए, सिर्फ इसी को देखने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक यहाँ पर ये नजारा आप देखिए। सूर्य की रोशनी से जो जिस तरह से ये जो पहाड़ों के पीछे अपनी रोशनी दिखाई दे रही है, वो बहुत ही शानदार, दमदार, जगमगाती हुई है। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा नजारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मन को मोहने वाला, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों अपने अपने हाथ ऊपर उठा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों एक जगह रास्ते में बैठा हूँ मैं और बहुत खतरनाक तरीके से थक गया हूँ। चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ बर्फ। ये देखिए आप, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जबरदस्त तरीके वाली ठंड है। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को दिखाने की। बहुत ही बेहतरीन ठंड है, जबरदस्त। मेरी जो नोज़ी आ रही ना, वो नोजी मेरी नीचे आते आते जम जा रही है। बहुत मजा आ रहा है। पूरे देखिए, पूरे बर्फ में जो है ना, सिर्फ मैं अकेला हूँ। ये देखो आप, कहीं भी आपको कोई भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों शानदार, जानदार, जबरदस्त, जबरदस्त। दोस्तों ये जो पहाड़ है,
जिसको पार करते हैं, ये खड़ी चढ़ाई है तो उतरते टाइम भी ऐसे ही है। तो जहाँ मुझे जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ जाना है मुझे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे जाना है मुझे, हमें जाना है वहाँ पर, सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ना वहाँ पर। पूरी तरह से थक गया हूँ, कई कई जगह बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, बहुत रिस्की है। ये सभी ट्रेकर्स के साथ ऊपर तक जाता है फिर वापस आता है। देखो अभी वापस जा रहा है ये, जब हम नीचे आए तो ये भी हमारे साथ आया। शानदार अभी बेटा, नहीं अभी से दिखाता हूँ। ये बाबा डू 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 डू, हेलो। दोस्तों इस ट्रिक को खत्म करने के बाद हम और बहुत ही हौले हौले धीरे धीरे तेज हो रही है, और कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर बहुत सारी आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। तो दोस्तों इस टाइम हम हैं केदारकंठ ट्रैक पर,